नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज बनाते हैं नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो है ये हमने नारियल के छोटे छोटे पीस करके रखे हुए हैं। आधा नारियल है ये। इसमें डालने के लिए हमको ये 1 चम्मच नमक चाहिए और हमने थोड़ी सी सिकी हुई दाल ली हुई है, लगभग 50 ग्राम के आसपास है। और ये हमने मूंगफली के दाने थोड़े सेक के रखे हैं, ये भी 50 ग्राम के आसपास हैं। और इसमें डालने के लिए हमको ये 4-5 हरी मिर्ची चाहिए, जो हम कट करके इसमें डालेंगे। और ये 3-4 कली लहसुन की है। और इसमें हमको छौंक लगाने के लिए ये हमको 1 चम्मच तेल की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें हम थोड़ी सी राई के दाने 1/2 चम्मच, और हमने ये 2-3 मिर्ची सूखी हुई लाल मिर्ची साबुत ली हुई है, और हमने थोड़े से उड़द के दाल के दाने लिए हुए हैं, और ये हमने कड़िया पाक के 5-6 पत्ते लिए हुए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं चटनी। आइए हम इसमें जो हमने छोटे छोटे पीस कट करके रखे थे नारियल के, वो हम इसमें डाल देंगे। और हमने ये इसमें सिकी हुई चने की दाल ली थी, वो हम डाल देंगे। आइए हमने मूंगफली के दाने सिके हुए लिए थे, वो डाल देते हैं। और हमने ये 4-5 कली लहसुन की जो हमने ली थी वो डाल देते हैं। हमने ये 3-4 हरी मिर्ची ली थी, वो कट करके इसमें डाल देते हैं। बाकी अपने टेस्ट के अनुसार है, यदि आप अगर तेज मिर्ची खाते हैं तो इसमें 2-3 मिर्ची और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। चलिए अब हम इसको पीसते हैं। चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। चलो हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये थोड़ा सूखा सूखा दिखता है। अगर इसको पहले ऐसे ही पीस लेते हैं तो ये अच्छी पिसती है। बाद में हम इसमें थोड़ा 1/2 ग्लास से भी थोड़ा कम पानी मिला लेते हैं। चलिए अब इसको फिर से चालू करते हैं। पिसी या नहीं, ये देखिए एकदम बारीक महीन हो चुकी है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ज्यादातर चटनी है इडली या डोसे के साथ खाते हैं, और इसको ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। चलिए हम इसमें धो के थोड़ा पानी इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने इसमें चटनी निकाल ली हुई है, ये देखिए आप। अब हम इसमें छौंक लगा लेते हैं। इसमें छौंक लगाने के लिए हमने जो ये थोड़ा सा तेल लिया हुआ था, करीब 2 चम्मच, हम इसको गर्म होने देते हैं। हम इसमें ये जो हमने उड़द की दाल के दाने लिए थे थोड़े, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हाँ, और हमने जो राई के दाने लिए हुए थे थोड़े, वो 1/2 चम्मच वो डाल देते हैं। हमने ये लाल मिर्ची जो सूखी ली हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। आइए, हमारा छौंक तैयार हो चुका है। हमने जो ये 4-5 पत्ते कड़े पाक के लिए हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। चलिए, हमारा छौंक तैयार हो चुका है। हम ये इसमें मिला देंगे। एक सेकंड के लिए इसको ढक देते हैं ताकि छौंक की खुशबू इसके अंदर ही रहती है। चलिए हम इसको देखते हैं, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप, आने वाले वीडियो में हम आपको इडली कैसे बनाते हैं, डोसे कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताएंगे, जो ये चटनी के साथ बहुत स्वाद लेके सब लोग खाते हैं। ये चलिए, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, देखिए।